हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो नया रूल्स आया है, जो मार्केट ऑर्डर पे हम एसएल नहीं लगा सकता है, उसका क्या फाइंड आउट है। मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लॉट हमने कॉल को बाई किया है और इसको मैंने एसएल लगाने जा रहा हूँ। एसएल हम यहाँ पे लिमिट पे लगाने जाएंगे तो वो लेगा क्या नहीं लेगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मान के चलो लिमिट पे लगा के देखते हैं क्या होता है। चलो लिमिट पे लगाने नहीं देगा, लिमिट पे लगाएंगे तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक चीज समझ में आया, लिमिट पे हम नहीं लगा सकते हैं उसको। एसएल को देखो, हम फिर से बाई कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 100% श्योर है। मैंने फिर से बाई किया, देखो मैंने फिर से एक 25 क्वांटिटी बाई किया। अभी मैंने एसएल मान के चलो इस लेवल के आसपास लगाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस लिमिट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके प्राइस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस डालता हूँ 70, डालता हूँ 71, 1 रुपया का डिफरेंस देके डाल रहा हूँ। देखो हाँ, तब ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके एसएल लिमिट पे लगाना पड़ेगा, जो प्राइस स्टॉप लॉस पे डाल रहा है लिमिट पे, और उसके नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके देखो, लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस स्टॉप प्राइस, यहाँ पे जाके डिफरेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके डिफरेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके देखो कम लगाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 1 रुपया ज़्यादा लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको 1 रुपया कितने ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको देखो देख रहा हूँ, 1 मिनट, एक चीज़ फिर से देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे जाके 80 है, ठीक है 80 है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं 79 नहीं लेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके मान के चलो हमने लगाते हैं ये, यहाँ पे 10 पैसा देखता हूँ, 10 पैसा। हाँ देखो, 10 पैसा भी ज्यादा देंगे तब भी ले लेगा, 10 पैसा भी ज्यादा देंगे तब भी जाके वो एसएल ले लेगा। मतलब जहां पे आपको वहां पे दिख रहा है ना, वहां पे जाके दिख रहा है ना, जहां पे आप स्टॉप स्टॉप प्राइस लिमिट प्राइस दोनों है, जो लिमिट वाला है वो कम रखना पड़ेगा, जो स्टॉप प्राइस है वहां से 10 पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा। मान के चलो अभी चल रहा है 412 रुपीज, आपको एसएल लगाना है 390 रुपीज, तो लिमिट पे जाके लगाएंगे 390, और जो स्टॉप प्राइस होगा यहाँ पे देखो स्टॉप प्राइस लिख के आ रहा है, वो स्टॉप प्राइस पे लाके यहाँ पे मार्केट में भी एग्जिट नहीं कर सकता है, वहां पे 10 पैसा ज्यादा दे देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को कैंसिल करना है। बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट, पता था ये मूवमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी जब फेस हो रहा है तो हेवी क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। देखो अभी हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे इसको मॉडिफाई करना है। जो हिसाब निकाल के आ रहा है इसमें क्या है, दो, एक पा रहा है लिमिट और एक आ रहा है स्टॉप प्राइस। लिमिट पे जो रखेंगे उसका 10 पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा। आपका एसएल मान के चलिए अभी होगा 430 रुपीज, तो इसमें लिमिट पे लगाएंगे 430 और स्टॉप प्राइस में लगाएंगे 430 रुपीज 10 पैसा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए।